नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और यह वीडियो आप लोग को सोमवार को जो परीक्षा होने वाला है विज्ञान का, उसमें काम आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो चलिए सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इसको दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोग को सारा पेपर मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहाँ से आप लोग का ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। 48 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग, झूले की गति कैसी होती? तो दोलनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक के समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? तो सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 10 मीटर। अगला है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग का समानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि वस्तु, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, का त्वरण अचर हो। अगला है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय के अंतराल के वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, जब एक पत्थर को आप धागे से बांध करके अपने उंगली को चारों ओर आर्थ त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो एक चक्कर पूरा करने में कितना विस्थापन तय करेगा? तो 2πr, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एक कोशिका जीव है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा। कोशिका के किस भाग के अनुवांशिक गुण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमोसोम। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, किस जीव की कोशिका के केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। अगला यहाँ पर है, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर है, 13 का यहाँ पे आपका खाली जगह, उसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्जी भरा जाएगा। 14 में आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला खाली स्थान पर डीएनए, दूसरा में प्रोटीन। उसके बाद 15 है, समान उद्भव संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिका समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। पौधों में लचीलेपन व गुण निम्न ऊतकों के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलेनकाइमा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला जो सवाल है, समान उद्भव संरचना तथा कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों में लचीलेपन का गुण निम्न कारकों के ऊतक के होता है, तो कोलेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एरेनकाइमा किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधों में। अगला, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चाल। अगला, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है तो आकर्षण बल। अगला है, वायु है तो वायु एक तरह से गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, धातु का सिक्का होता है तो धातु का सिक्का होता है ठोस, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूध है तो दूध होता है द्रव, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्पंज होता है ठोस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो गैसों के बीच होता है आकर्षण बल कम। अगला है, 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? तो 293 केल्विन। अगला यहाँ से है, 470 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में क्या होगा? तो 197 डिग्री सेल्सियस। अगला, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता क्या है? तो ऊध्र्वपातन। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में सर्वत्र फैलता क्या कहलाता है? तो प्रसरण। अगला यहाँ पर है, गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। अगला, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तो ठंडक। अगला है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन। अगला हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठंडा पे। अगला, सदिश का परिणाम कभी नहीं होता है ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑडोमीटर मापता है तो ऑडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। वृत्तीय गति है तो गति के दिशा में लगातार बढ़ती रहती है। अगला यहाँ पर है, चाल समय ग्राफ में नीचे का क्षेत्रफल मानक में निरूपित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल रेखा। अगला है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु की क्या होगी, दूरी क्या होगी? तो शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 40वां नंबर है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुँचता है, तो उसके घर से दूरी क्या होगी? तो 1 किलोमीटर। चाल किस प्रकार की राशि है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अदिश। अगला यहाँ पर है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु द्वारा समान चाल से चल रही है।
स्पीडोमीटर मापता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तात्कालिक वेग। अगला यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा तो दोनों राशियां तय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को। अगला यहाँ पर है पौधों की अक्ष की लंबाई में वृद्धि किस कारण से होती है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शीर्षस्थ विभिज्योतक। अगला घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है तो शीर्षस्थ विभिज्योतक यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला कार कैम्ब्रियन किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटर कैलरी विभिज्योतक का। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।